ये दिंगरा फिल्म का ऑडिशन है जो कि एक भोजपुरी में बनने जा रही है, और जिसमें कि अलीगढ़ के कलाकार, आगरा के, मथुरा के, ज़्यादातर कलाकार यूपी से हम लोग ले रहे हैं, और कुछ कलाकार इसमें बिहार के भी हैं जो आजकल ऑलरेडी चल रहे हैं मार्केट में। लेकिन यहाँ के कलाकारों को लेने का सबसे बड़ा जो रीज़न वो ये है कि ब्रज के जितने भी कलाकार हैं या ब्रज क्षेत्र जो भी कह लीजिए, उनको कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। तो इस वजह से हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि उन लोगों को प्लेटफॉर्म मिले और वो आगे चलकर अपनी प्रतिभाएं दिखाएं और हमारे प्रोडक्शन के साथ काम करें। और हम यही चाहेंगे कि जितना निरंतर हम लोग काम करते रहें, नई नई प्रतिभाएं हमसे जुड़ें और हमारे साथ काम करें। तो कितने प्रतिभागियों ने अब तक यहाँ लगभग अलीगढ़ से हम लोगों ने 10 कलाकारों का चयन कर चुके हैं, और जिसमें लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, सभी लोग शामिल हैं, और कुछ एक उम्र दराज लोग भी हैं, जिनको कुल मिलाकर 10 लोगों का चयन अलीगढ़ से किया जा चुका है अब तक। तो ये संगीत सम्राट हरिदास बाबा फिल्म्स प्रोडक्शन के बैनर तले ये आप इसको फिल्म को बना रहे हैं? जी बिल्कुल। और इसमें ये है कि आप इसमें निर्माता जी कौन है आपके साथी? इसके जो मेन प्रोड्यूसर हैं वो डीएस सिंह जी हैं, और को प्रोड्यूसर जो है वो शैलेंद्र कुमार हैं, और राजीव मुझे कटेट चलो जो भी है काट लेना आप एडिट कर। संगीतकार? संगीतकार इसमें नीतू जी हैं जी, हाथरस से हैं। तो इसमें फिल्म में संगीत देंगे? हाँ संगीत वही देंगे, नीतेश कुमार नीतू जी। अभी इस फिल्म के गीत इस फिल्म के गीत कुछ आगरे के हैं वो लिख रहे हैं, और एक हमारे गुप्ता जी हैं वो लिख रहे हैं, और एक अनिल कुमार मौर्या जी हैं वो इस फिल्म के गीत लिख रहे हैं। कितना समय बन जाएगी ये फिल्म? हमारी 10 जुलाई से फ्लोर पर जा रही है, और उम्मीद करते हैं कि दिवाली तक ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। शूटिंग कहाँ की हुई? इसमें शूटिंग सर ये अलीगढ़ है, मथुरा है, और आगरा है, और कोशिश की जा रही है कि चित्रकूट भी जाया जाए। बहुत अच्छा। राजस्थान? चित्रकूट। चित्रकूट। अच्छा, हमने ये भी आप ने अनुमति दिया होगा कि आप ब्रज भाषा में भी कुछ इसमें कुछ और आगे कुछ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने एक फिल्म इससे पहले जो फिल्म की है मुन्ना रंगबाज, उसमें भी हमने ब्रज संस्कृति दिखाया गया है, और इस फिल्म में भी हम एक आइटम सॉन्ग जो है वो ब्रज कल्चर से ही लेके जा रहे हैं, जो पूरा ब्रज का परिवेश वहाँ दिखाया जाएगा। मेन पॉइंट यही है कि आप जो है इसमें ब्रज क्षेत्र के ही कलाकारों को डेवलप कर रहे हैं और अपनी फिल्म में। जी बिल्कुल। जिससे कि भटके ना वो। जी बिल्कुल भटके ना, और उनको एक उचित प्लेटफॉर्म में ही पर मिल जाए। जी बिल्कुल। क्योंकि आपने ये भी देखा हुआ कि मुंबई में यहाँ से जो जाते हैं बच्चे वो वहाँ परेशान हो जाते हैं, इसके बारे में आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो यही संदेश है कि अभी सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है जी, और अपने टैलेंट को बिना जाने पहचाने मुंबई जाना व्यर्थ है जी। सबसे पहले अपने प्लेटफॉर्म, छोटे प्लेटफॉर्म पे अपने टैलेंट को काम करिए, तराशिए, उसके बाद आप बॉम्बे की ओर रुख कीजिए। और आज जरूरी नहीं कि आप बॉम्बे जाएं, अगर यहाँ आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो यहाँ से बॉम्बे वाली कंपनी आपको खुद कॉल करेंगे, बट आपको जरूरत नहीं है, वो जमाना चला गया, आज जमाना ऑनलाइन का है। मैं शैलेंद्र जी से मुताबिक हूं। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, मुझे लगा दो चलो। शैलेंद्र जी, मैं सबसे पहले आपको ये शुभकामना देता हूँ कि आपने जो हमारी अलीगढ़ की जन्मस्थली है बाबा हरिदास जी संगीत सम्राट शिरोमणि जी की, उनके नाम से ये आपने प्रोडक्शन खोला है, संगीत सम्राट हरिदास बाबा फिल्म प्रोडक्शन। इससे मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, जब मुझे खुशी मिलती है तो जनता को इतनी क्या खुशी मिलती होगी, ये क्या प्रेरणा दे रही है बताइए। सर यहाँ पे हमारा मतलब संस्कृति, हम यहाँ पैदा हुए हैं जी, और मैं सोच रहा था कि हमारे यहीं पे हम लोग फिल्म बनाए और आगे तक अपने यहाँ की संस्कृति को आगे तक जी। तो आपने डिप्लोमा किया हुआ है बम्बई से? हाँ मैंने वहाँ से किया है, एफपी से किया है। बहुत बढ़िया। तो आप जो है बच्चों को यहाँ प्रोडक्शन मतलब ये मौका देकर अपने प्रोडक्शन में उन बच्चों का उज्जवल भविष्य, हमारा उद्देश्य यही है कि यहाँ के लोगों को हम लें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, थैंक यू।